भगवान श्री राम के जीवन पर आधारित रामायण महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई। महर्षि वाल्मीकि ने काफी कठोर तपस्या करके महर्षि का पद प्राप्त किया। बता दें कि महर्षि के पहले का नाम रत्नाकर था। महर्षि अपने परिवार के पालन पोषण के लिए लूटपाट किया करते थे। एक बार महर्षि ने नारद मुनि को लूटने के इरादे से जंगल में पकड़ लिया। तब नारद ने रत्नाकर से पूछा कि तुम लूटपाट किसके लिए करते हो। रत्नाकर ने उत्तर दिया कि अपने परिवार के पालन पोषण के लिए। एक बार फिर नारद ने प्रश्न किया कि तुम्हारे सभी पापों में क्या तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारा साथ देंगे। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए रत्नाकर अपने परिवार वालों के पास गए और परिवार वालों से यह प्रश्न पूछा। प्रश्न पूछने पर परिवार वालों ने रत्नाकर से कहा कि हम आपका परिवार हैं, हमारा भरण पोषण करना या हमारी किसी भी प्रकार की रक्षा करना आपका धर्म है। आपके किसी भी पाप में हम आपके भागीदार नहीं बनेंगे। यह बात सुनकर रत्नाकर नारद मुनि के पास गए और उनसे क्षमा मांगी और नारद मुनि को अपने परिवार वालों की बात बताई। नारद ने रत्नाकर से कहा कि अगर तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारे पाप में भागीदार नहीं बनेंगे तो तुम यह काम क्यों कर रहे हो। नारद की बात सुनकर रत्नाकर को खुद पर पछतावा हुआ। उन्होंने लूटपाट का काम छोड़ दिया और किए गए पापों का प्रायश्चित करने का उपाय पूछा। उपाय पूछने पर नारद मुनि ने इन्हें राम नाम जपने के लिए कहा। रत्नाकर वन में शांत स्थान पर बैठ गए और राम राम जपने लगे। एक बार ध्यान में बैठे हुए रत्नाकर के शरीर को दीमकों ने अपना घर बनाकर ढक लिया था। साधना पूरी करके जब यह दीमकों के घर, जिसे वाल्मीकि कहा जाता है, उससे बाहर निकले तो लोग इन्हें वाल्मीकि कहने लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, दिव्य दर्शन।